भारत और चीन के बीच LEC पर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। इस तनाव के बीच अब चीन गंदी चाल चल रहा है। चीन ने LEC पर फिंगर 4 के इलाके में लाउडस्पीकर लगाए हैं और इन लाउडस्पीकर पर वो पंजाबी गाने बजा रहा है। माना जा रहा है कि चीन अब लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने लाउडस्पीकर फिंगर 4 इलाके की उन फॉरवर्ड पोस्ट पर लगाए हैं जो 24 घंटे भारत की निगरानी में है। चीन के इस कदम को दो तरीकों से देखा जा रहा है। पहला ये कि चीन भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रहा है और दूसरा ये कि चीन सच में तनाव कम करना चाहता है, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। फिंगर 4 एरिया वो इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच लगातार टकराव के हालात बने हुए हैं। 8 सितंबर को दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस इलाके में काफी जबरदस्त फायरिंग भी हुई थी। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच 100 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे। पिछले 20 दिनों में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच कम से कम 3 बार गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर लगातार बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है, हालांकि अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। वहीं चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सर्दियों के मौसम में लंबे टकराव की आशंका भी जताई जा रही है और भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां पूरी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना बोफोर्स तोपें तैनात करने की भी तैयारी कर रहा है। साल 1999 में इन्हीं तोपों ने पाकिस्तान के खिलाफ करगिल का युद्ध भी जिताया था। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,